गाइस वंश के डीएम में जाके सब सब स्पैम कर दो, पढ़ले साले बोर्ड है स्पैम कर दो। ये जमीन पे रेंग रहा था, इसकी माँ की आंख ऊपर मत आ जाइयो। मतलब तू सेंटीपीड हकता है, मतलब गाइस ये सेंटीपीड हकता है। So what is up guys, this is Kunal and welcome back to our channel। सही किया ना मैंने, मिक्की माउस की सही की ना। लीड इंसान, ऐसी आवाज लग रही थी जैसे नीचे कोई सुट्टे मार मार के गला खराब हो जाता है जिसका। मुझे बड़ा पता तू सुट्टे मारता है जैसे ज्यादा। दुकान पे मांगने आते हैं ना, सुट्टा दे दो, सुट्टा गोल्टेक दे दो, क्लासिक दे दो। ब्रूनो शक है हमें इस पे, ब्रूनो वो फूकता है, ब्रूनो ध्यान रखा जाए। जॉनसन में भी पाउडर सूंघता है वो। सॉरी। So what is up guys, this is Kunal and welcome back to another daily vlog। ठीक है भाई, भाई ठीक है ज़्यादा हो जाता है मेरे को ना। सब मैंने बोला था ठीक है कम बोला, फिर अभी से ठीक है कम करेंगे। ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर डेली व्लॉग। और आज की डेली व्लॉग होने वाली है डेली व्लॉग 10, और आज भी नॉर्मल व्लॉग होने वाला, आज ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन आज थोड़ी सी प्रिपरेशन होने वाली हैं क्योंकि कल तुम लोगों को देखने को मिलेगी मुँह दिखाई। किसकी? छोटू सी बेबी की, जिसके तुम लोग इंतजार कर रहे थे। कल आएगा वो बेबी यहाँ पे और कल होगी उसकी मुंह दिखाई। ठीक है, जिसका तुम लोगों को बहुत ठीक है नहीं जिसका तुम लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार था। ठीक है तो अभी मैं बस उठाऊ, अभी बोलिया पढ़ ले, बोर्ड है ना तेरा, पढ़ ले। गाइस वंश के डीएम में जाके सब स्पैम कर दो, पढ़ ले साले बोर्ड है स्पैम कर दो गाइस। और अभी मैं नाश्ता खाऊंगा, प्लस अभी मेरे को जरा ना तेल लगवाना है सर पे, मम्मी से तेल लगवा के फिर नहाने जाएंगे, क्योंकि भाई देखो सर्दियों में डैंडर फोड़ने लग जाता है, तो भाई जल्दी से करेंगे। और डैंडर के लिए ना ऋषिकेश से हमने एक ये ली थी, नीम की से कहते हैं, कंगी कहते हैं, इससे डैंडर कम होता है। टेस्ट करेंगे फिर तुम्हें बताएंगे, और फिर यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं बेचूंगा इसे। और मैं ठीक है बोलने वाला था, बच गया। तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ये लड़का पढ़ाई छोड़ के बाकी सारी तरफ ध्यान देता है। मतलब इसके सामने तुम पढ़ाई ये कर रहा है ना, साला 2 किलोमीटर दूर पटाखा फटेगा ना, इसे वो भी पता होगा, इसे ये नहीं पता होगा नीचे कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, कौन सा चैप्टर का। ओ, बैंकिंग का क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है। बैंकिंग के क्वेश्चन नंबर 10 बताऊ, उस दिन मेरे को कहता है मैंने ना 3 चैप्टर खत्म कर लिया। मैंने कहा 3 चैप्टर इतनी जल्दी? कह रहा हाँ। मैंने कहा कितने क्वेश्चन के? कहता 6। ये मैं का क्वेश्चन बताएगा टोटल कितने के, चैप्टर में बताया कर तू। भाई मैं नाश्ता खाने, बहुत भूख लग रही, फिर तेल लगवा के खाना भी है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में मिलेंगे। ये जा रहा है हेलीकॉप्टर, और एक वहाँ जा रहा है वो दूसरा हेलीकॉप्टर, वो दूसरा जा रहा है, और ये तीसरा, और आए एक ही जगह से पीछे से। वापस चक्कर काट के कहाँ जा रहे हैं? वहीं से तो आए। प्रैक्टिस चल रही होगी ना, जैसे मैं एक्टिवा घुमाता हूँ एक जगह से दूसरी जगह सीखने के लिए। तू एक्टिवा एक जगह से दूसरी जगह दुकान तक के ले जाता है साले, 11 नंबर की बस लेके जाया कर। तू इतना एक्टिवा ऐसे चला चाके पेट्रोल फूंक दिया। ठीक है, और मेरे को उस दिन ज्ञान दे रहा था दिवाली पे ना एक पटाखा नहीं फोड़ेंगे भैया। मैंने कहा भाई एक आधा तो फोड़ लेंगे। वो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं नहीं फोड़ सकता था। हाँ, नहीं एक आधा तो फोड़ लेंगे वंश, कह रहा नहीं नहीं। मैंने कहा साले पूरे साल भर तो एक्टिवा लेके दुकान तक घूमता है, पॉल्यूशन ना हो। देखो भाग रहा साला चोर, हट साले, हट। ज्ञान बांट रहा था, खुद ऐसे कांड करो पूरे साल भर, दिवाली पे ज्ञान बांटो है, हट साले। वो मैं फोड़ नहीं सकता ना, इसलिए मैंने ज्ञान दिया। मैंने अभी तुम्हें बोला था 2 किलोमीटर दूर पटाखा फटे से आवाज आ जाती है। अभी मैं नाश्ता खाने बैठा था, कहता जल्दी आ जाओ वहां से ना एक और हेलीकॉप्टर आ रहा है। मतलब पढ़ाई छोड़ के सब जगह ध्यान होता है इसका। चल अंदर जा, चल नाश्ता कर, पढ़ाई कर ले पढ़ाई। ब्रूनो तेरी जिम्मेदारी है ये, ठीक है? जब भी ये पढ़ाई से इधर उधर इसका ध्यान भटके ना, इसे पकड़ के ना बस काट लिया कर, या मेरे को आवाज मार दिया कर। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मतलब तू उसे काटेगा? मतलब तू बताना चाह रहा है वो नहीं काट सकता, तू काटेगा? ये वंश 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 काटता है भाई। गाइस वंश से जब मिलने आओ ना, थोड़ा दूर रहना है, काट सकता है तुम्हें। बीवेयर ऑफ डॉग्स की जगह हम बाहर लिखेंगे बीवेयर ऑफ वंश। ठीक है, समझ गए हम समझ गए हम समझ गए तो भाई मैं ना भी नहा रहा था, और मैं चश्मा तो पहना हुआ नहीं होता नहाते हुए, लेकिन ना मेरे को भी जमीन पे एक चीज रेंगती हुई दिखी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरी फट गई ऊपर ना निकले, मैं यहाँ किसकी सेंटीपीड टाइप है कुछ आ गया। ये देखो
कि ये जमीन पे रेंग रहा था, इसकी माँ की आँख ऊपर मत आ जाइए, फट गई अभी मेरी, फट गई भाई, नहाते हुए ड्रेनेज पाइप से निकला ये, अभी मैं इसको बाहर बहाऊंगा भाई साहब, नहाते हुए ड्रेनेज पाइप से निकला और मेरी फट के हाथ में आ गई, मेरा चश्मा निकल रहा, पता नहीं क्या रेंग रहा है जमीन पे, वो माँ की आँख निकल रहा था, आ जाके बात करता हूँ। भागने का मौका मिलेगा, मम्मी पीछे हो जाओ, मैं नहा रहा था मम्मी और चश्मा उतारा हुआ था मैंने और पानी में कुछ रेंगता हुआ दिखा मुझे, ये देखो, हाँ हाँ वो ही है, केचुआ ही है, ये केचुआ है, हाँ ये बहुत बड़ा, बहुत ये केचुआ है, ऐसे 10 बार ही निकलते हैं, गिरा गिरा मम्मी, ये केचुआ नहीं है, केचुआ ऐसा होता है, कान खजूरा होता है, ये कान खजूरा होता है, हाँ इतने पैर वाला सेंटीपीड होता है, कान खजूरा होता है, भाई मेरी तो फट गई बात, कसम मेरी, पानी पानी में डाल दो, इतने तो मैं बाथरूम में निकलते हैं खुद बहती हूँ, मम्मी यार बता नहीं सकते थे, यहाँ फट गई मेरी, ध्यान से गाइस, यहाँ यहाँ फायदा कर, ऊपर आ रहा, ऊपर आ रहा, इसके हाथ में आ गई भाई, देखते हम इज्जत से भागे, चला जा भाई, चला जा, वहाँ के यहाँ अंदर चला गया, बह गया, नहीं अंदर चला गया, मालिक है, नहीं नहीं पे, ओह सांप लग रहा है, गया क्या, नहीं देखा कितनी तेज तैर रहा था, हाँ। अभी तो मेरी फटी बाथरूम में, सांप लग रहा है पानी वाला, पक्का कहना नहीं, हाँ ये रहा ये रहा, हाँ की आँख तेरी, बस फट के हाथ में आ गई, ब्रूना तू क्या करता है घर पे, क्या करता है इतने सारे कीड़े घर में घूम रहे, तू कुछ तो कर लिया कर, कुछ तो रक्षा कर लिया कर हमारी, हाँ नहीं तो कम से कम तू कीड़े ही खाइयो, बियर ग्रिल्स, बस अभी थोड़ी दिल की धड़कने सही हो जाए फिर मिलते हैं। गाइज मम्मी बोल रही थी ना कान खजूरा, कोई कान खजूरा नहीं था, वो ब्लैक सेंटीपीड था वो, ये देखो मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूँ, ये देखिए गूगल से फोटो ये निकाली है मैंने, ब्लैक सेंटीपीड की फोटो, सेम ऐसी था वो, और उसका काटा हुआ बहुत ज्यादा दर्द करता है, बच गया बेटा मैं, मम्मी को नीचे डरा दिया भाई सब, बच गया आज, ये मम्मी को डरा के आ रहा है देखना, पिटेगा तो किसी दिन मम्मी से, बस बच गया आज, वरना बहुत दर्द होता, कहीं पे भी काट लेता भाई, सोच तेरी डोई पे काटता, आपके डोई से निकला है वो, बस कुछ भी बोल दो कुछ भी, मतलब तू सेंटीपीड रखता है, मतलब गाइस या सेंटीपीड रखता है, सेंटीपीड रखता है, वो जेपी के पीछे का रास्ता है ये देखो गाइस, भुवन माम मसूरी आ रखा है, ठीक है तो भुवन भैया जी को इसका वो पोज देख के, ये भाई जी भुवन भैया का पोज देख के, वो देखो कैसे गूगल अर्थ पे बावले हुए फिर रहे हैं कि सर्च कर रहे हैं कि कहाँ पे फोटो क्लिक की गई है, पीछे एक वाइट स्टॉकिंग की हद होती है तो मतलब लड़कियां वन से बच के रहे, वाइट और रेड, ये पीछे वाइट और रेड, यार क्या पता वो यहाँ फोटो खिंचवाई तो जेपी के पीछे का रास्ता है, बस रहने दे, क्या रहने दे, ऐसे नहीं भाई देख, अभी पता चलेगा कहीं से तो जाएंगे मिलने जाएंगे, वरना नहीं बेटा बोर्ड है पढ़ ले, पहाड़ में गए भुवन भैया पहले, देख लो पढ़ाई लिखाई ना कर रहा है लड़का, देख मिलेंगे तो पक्का लेके जाएंगे तेरे को, ठीक है वरना तब तक तू पढ़ ले, लोकेशन तो ढूंढो बोलने से हो जाता है क्या, हाँ अभी पता चल जाएगी लोकेशन, क्या पता वो ये देखने जा रहे हैं यहाँ पे सेंट जॉर्ज का जेट, वहाँ पे वो यहाँ रास्ते से जा रहे हो, मैं तुझे यहाँ से फेंकता हूँ मसूरी का ऊपर, ड्रोन शॉट लेके आ जा, ठीक है, तो भाई गाइस अभी बच गए हैं शाम के 6:45, ठीक है, और मुझे लग रही थी भूख और वैसी सी जैसी फीलिंग नहीं आती है जैसे मैं बचपन में आती कि भाई आज पार्टी करेंगे, चिप्स विप्स लेके आएंगे, बहुत सारे पार्टी करेंगे, आज वैसी सी फीलिंग आ रही, तो सोचा मैगी बनाई जाए बड़ी सी और चिप्स विप्स पड़े हैं फ्रूटी वूटी, मस्त पार्टी करेंगे, ठीक है, लेकिन ना प्रॉब्लम क्या हो गई, देखो मैगी तो बनने रख दी भाई साहब, ये मैं शेजवान डालना चाहता हूँ, मजा आ रहा है, डब्बा खुल जाए भैंस की यहाँ भाई, सारा बाहुबल लगा दिया, मजा आ रहा है, खुल जाए, अब इसको गैस पर गर्म करना पड़ेगा और फिर खुलेगा, और गैस खुल गया, देखो साइंस काम आ ही गई आखिरकार हमारी, अब मैं डालूंगा और फिर मिलते हैं पार्टी के बाद, ठीक है, तो भाई गाइस आज की व्लॉग को इतना ही रखेंगे, देखो भाई ये भी शॉर्ट सिंपल व्लॉग है, ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं, ज़्यादा कहीं बाहर अंदर हम गए नहीं आज तो घर ही थे मस्त, तो अब कल के लिए है थोड़ा सा, क्योंकि कल है बेबी के आने का दिन, ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है, वो दिखाई होगी बेबी की क्यूट से, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा भाई, इतना ज़्यादा नज़र नहीं रख पानी, समझ रहे हो ना, लेकिन थोड़ी सी तो मुँह दिखाई जरूर कराई जाएगी, समझ रहे हो, बाकी मैं जा रही हूँ, यह व्लॉग भी एडिट करने का है, ठीक है, तो मैं ठीक है नहीं मैं जा रहा हूँ, ये व्लॉग भी एडिट करना है,
तो हम मिलेंगे कल की वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और आज ऋषिकेश व्लॉग पे भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन अपन डटे रहेंगे, लगे रहेंगे मुन्ना भाई की तरह, व्लॉग हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ ठीक है, लगे रहेंगे, मेहनत करते जाएंगे। कौन सी थी वो लहरों से डर करने का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय। Oh,